अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया कीमा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 किलो कीमा, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ करके रख दी हूँ। 1 बड़ी गड्डी सोए की भाजी, जिसे मैं कट कर दी हूँ। 3 मीडियम साइज की प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1/2 टीस्पून जीरा साबुत, 2-3 लाल मिर्ची, 2-3 हरी मिर्ची, 2 लौंग, ग्रीन इलायची, 2 तेज पत्ते, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक चिल्ली पेस्ट, 1 बाउल हरा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मटन मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया और उसे गर्म होने हाई फ्लेम पे रख दी हूँ। देखिए बर्तन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे ऑयल, 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले और साबुत लाल मिर्च जो हमने निकाल के रखे थे, और इसे भी चला लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे पकने देंगे, हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसे चला लेंगे। टमाटर भी डाल देंगे और इसे भी चला लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें हम बाकी मसाले डाल देंगे। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले। हम सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। धनिया पाउडर, हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पर, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अब हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस स्टेप पर डाल देंगे ये कीमा, इसे चला लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और जो ये हरी मिर्ची जो हमने काट के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे चला लेंगे और 10 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है, कीमे में जो पानी है वो सूख जाए और कीमा भी गल जाए। इसे खोलकर देख लेते हैं कि हमारा कीमा पका या नहीं। देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे चला लेंगे। बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेप पे हम इसमें डाल देंगे सोए की भाजी। डाल देंगे सोए की भाजी और इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे और इसे चला लेंगे अच्छी तरीके से। चला लेंगे, चलो कीमे में इस भाजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। आप लोग जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे का बनता है। अब हम इसे ढक देंगे। ढक के हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। चलिए अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। आहा माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। वैसे भी आप जानते होंगे कि सोए की बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए इसमें ऑयल भी आ गया, ये अच्छी तरह से पक चुका है। माशाल्लाह दिखने में भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 हरी मिर्ची अबकी वाली और ये हरा धनिया।
और इसे चला के एक दो सेकंड पकने देंगे और फिर से ये रेडी टू सर्व है। इस तरह चला लेंगे इसे। अब ये रेडी टू सर्व है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा सोया कीमा बनकर तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।